महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मंदिर परिसर में नागपंचमी को लेकर अस्थायी पुल का निर्माण करने के दौरान स्पार्किंग से आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा रात 10:30 बजे का बताया जा रहा है। महाकाल मंदिर में नागपंचमी के लिए लोहे का अस्थायी पुल बनाया जा रहा है। 2 अगस्त को नागपंचमी के कारण यह काम दिन रात किया जा रहा है। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि गुरुवार रात में ही वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। इस दौरान अचानक स्पार्किंग से आग लग गई। समय रहते उसे काबू भी कर लिया गया। हादसा उस समय हुआ जब मंदिर परिसर खाली था। हादसे के 30 मिनट पहले मंदिर में श्रद्धालु थे। उस समय आग लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मंदिर प्रशासन, स्मार्ट सिटी व यूडीए मंदिर के अस्थायी पुल बना रहे हैं, उसका उपयोग नागपंचमी पर किया जाएगा। नहीं, आग वगैरह लगी थी, एक काम चालू है ना, ताट वगैरह रखे थे, उसमें वो चिंगारे गिर गई थी, उसकी वजह से आग लग गई थी। फिर उसको बुझा दिया गया। हाँ, फिर उसको बुझा दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश।